अच्छा भाई, ईद की नमाज़ हो गई है और अभी घर आ गए हैं, और बाहर यही है कि कसाई वगैरह आ गए हैं, गोश्त हो रहा है। तो अभी जब तक गोश्त वगैरह होगा अभी आराम करना है, क्योंकि रात भी ज़रा लेट से थे, बाहर जा घूमते फिरते रहे हैं, दोस्तों के पास किया हुआ था। तो अभी सोऊंगा और फिर उठ के कुछ खाना वगैरह खाएंगे और शाम को जाएंगे बाहर सबसे मिलने दोबारा। तो मिलते हैं फिर आपसे। खैर, सो के उठ गया हूँ और ये है कि गोश्त वगैरह भी हो गया, सारे काम फिनिश हो गए हैं और सबने खाना वगैरह भी खा लिया और मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया। तो हम सब लोग बुला रहे हैं कि आ जाओ यार कुछ खाएं वगैरह वहाँ बैठ के। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, तो बाकी सारा ब्लॉग फिर उनके साथ। तो आए हम सब लोग में बात। और रास्ते में हम डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या खाएं, तो माज ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि यार गोश्त के अलावा कुछ भी चलेगा। तो फिर हम इधर आ गए। खाने पीने के बाद यार हम फैसलाबाद के लिए निकल पड़े। हमजा के बाद फैसलाबाद आए और स्नोकर ना खेली, तो फैसलाबाद आए ही क्यों। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये थाईलैंड वाला सीन क्या है। लास्ट ईयर मेरी ईद थाईलैंड में गुजरी थी, उससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपसे अपने अपकमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह शेयर करूँगा।